केंद्र सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किए जाने पर बजट की सराहना करते हुए बीदर जिला भाजपा द्वारा केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा सहित भाजपा जिलाध्यक्ष सोमनाथ पाटिल और विधान परिषद सदस्य रघुनाथ राव मलकापुरे ने बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर बसवराज पवार, विजय कुमार पाटिल और श्रीनिवास चौधरी सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। जिला पत्रिका भवन में आज माननीय संसद केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा जी और जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल जी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो पत्रिका गोष्ठी की गई उसका विशेष यही था, केंद्र सरकार ने जो इंटरिम बजट दिया है वो गरीबों के और फिर बिलो पॉवर्टी लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को विशेष करके उनको आद्यता दे करके इस बार उनको अबो पॉवर्टी लाइन लाने, मेन स्ट्रीम लाने के लिए जो केंद्र सरकार की सोच है वो सोच को ये बजट में जो है पेश किया गया है। विशेष आद्यता दे करके गरीब गुरबाओं को, खासकर उनको जो घर देने का काम है, और फिर महिलाओं को लखपति दीदी जो योजना उन्होंने बनाई है, तो आने वाले 23 साल में यानी 2047 में विश्व गुरु भारत बनने जो जा रहा है उसकी प्रक्रिया आरंभ हो करके आने वाले 23 साल में युवा पीढ़ी या तब की जो हमारी जो पीढ़ी होगी, जब के युवा होंगे उनको फक्र महसूस करने जैसा कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कर रही है, और फिर ये सारी कार्य योजनाएं पूरे देश को पूरी तरह से सबलीकरण, लिबरलाइजेशन के लिए जैसा काम करते हैं वैसा जो है केंद्र का बजट हुआ है, इसलिए हम बहुत ही संतुष्ट हैं इस बात से।